हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज हम नया चीज़ कुछ लेके आए हैं, दिवाली स्पेशल। दिवाली स्पेशल के लिए हम काजू कतली लेके आए हैं। और काजू कतली बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि काजू लेना पड़ता है, तो मैंने काजू लिया है। और बाकी जो मैंने आपको रेसिपी दी है वो लास्ट वीडियो तक एंड तक देखना, एंड वीडियो में आपको पूरा काजू कतली की रेसिपी मिलेगी। तो चलिए हम लेते हैं काजू। ये मैंने काजू के टुकड़े लिए है और इसमें से थोड़ा छान लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं काले लगे हुए रहते हैं, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से निकाल के वो काला को बाहर से जो इसकी स्किन होती है उसको निकाल देंगे। और इसके बाद इसको मैं मिक्सर में पीसूँगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको मिक्सर में पीसना है, कितना बारीक इसको पीसना है, और उस हिसाब से हम इसका एकदम पाउडर बना देंगे। और उसके बाद जो है, ये देखो, हम इसको अब मिक्सर में डालेंगे। और मिक्सर में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पीस के छानेंगे इसको, ठीक है। एकदम बारीक मत करना मिक्सर में, क्योंकि वो मिक्सर में बारीक करोगे तो वो फिर क्या लिक्विड टाइप का हो जाएगा। तो हमें खाली पाउडर बनाना है और फिर छान के फिर पीसना है, ठीक है। और दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों का प्यार इसी तरह बने रहे और हम आपके लिए कुछ नया नया लाते रहेंगे। ये देखो, मैंने ये पाउडर बना दिया है मिक्सर में पीस के, और इसको छान लूँगा। और छानने के बाद जितना फिर बचेगा फिर पीसूँगा इसको। तो दोस्तों, दिवाली का टाइम आ गया तो हमने बोला चलो हम काजू कतली बना देते हैं। काजू कतली बहुत महंगी है, तो इसलिए मैंने एकदम सरल तरीके से घर पे बनाया है। इस तरह इसको छानना है, ये देखिए। ये देखिए, ये मैंने पाउडर बना दिया इसका। और ये कढ़ाई लिया हमने, आप नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हो। और ये हमने पानी डाल दिया है। और अब इसमें जो है हम शुगर ऐड करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, पानी ज़्यादा मत डालना। और जो हमने चासरी बनाना है वो भी एकदम गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बस उसमें खाली शुगर घुलना चाहिए पानी के अंदर पूरा का पूरा। और उसके बाद हम सीधा ये जो हमने काजू का पाउडर किया है उसको इसमें ऐड कर देंगे। और बाकी दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि दिवाली का टाइम आ रहा है, तो भाई मिठाई तो हर घरों में बनेगी, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए काजू कतली का रेसिपी लाई है। एकदम सरल तरीका, आप अपने घर में आराम से बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है तो बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आप अगर बीच में वीडियो छोड़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये बनाना कैसा है। इसी तरह इसको पकाते रहो। ये मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर लिया है, आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हो। और इस तरह हम इसको जो है चलाते रहेंगे। उसका ध्यान रखना कि ये जो है कढ़ाई में चिपकने नहीं चाहिए। और इसी तरह इसको हिलाते रहो कंटिन्यू, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट लगता है और हमारी काजू कतली रेडी हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है एकदम गाढ़ा होने लग गया है।
और ध्यान रखना दोस्तों, यार मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग ना गलती से भी चांदी का वर्क मत डालना। चांदी का वर्क डालोगे तो यार वो सही नहीं है। और अगर आपको मेरे बोलने से विश्वास नहीं आता तो एक बार YouTube में देख लेना कि चांदी का वर्क जो बनता है वो किस चीज़ का बनता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि चांदी का वर्क मत डालना मिठाई में, कोई भी मिठाई में, और नहीं तो वो मिठाई खरीदो जिसमें चांदी का वर्क लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप YouTube देख लीजिए कि चांदी का जो वर्क बनता है, जो मिठाई के ऊपर लगता है, वो किस चीज़ का बनता है, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है दिवाली में मिठाई खरीदिए। तो इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे क्योंकि घी से जो है काजू कतली एकदम सॉफ्ट हो जाती है और इसके अंदर मॉइस्चर भी आ जाता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जो भी है ये वीडियो देखिए और जो दिवाली की मिठाई है अपने घर पे बनाए। मैंने मावा की बर्फी भी आपको रेसिपी दे रखी है और ये काजू कतली का भी दे रखी है, इसलिए दिया कि भाई दिवाली का टाइम आ रहा है तो आप लोग आराम से घर पे बनाएं, क्योंकि बाहर के बाज़ार की जो मिठाई होती है उसमें सारी मिलावट चीज़ होती है। आपको काजू कतली के नाम पे जो है कुछ और चीज़ बेचा जाता है, उसमें काजू नहीं रहता है, क्योंकि सभी को पता है काजू बहुत महंगा है। तो इतना कोई भी खरीद के काजू का प्योर काजू का काजू कतली नहीं बनाएंगे। तो इसलिए मैंने अपने घर पे बनाने की कोशिश की है और आप लोगों को रेसिपी दे रखी है, तो आप लोग आराम से अपने घर पे प्योर मिठाई बना सकते हो और दिवाली को एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर है, ताकि बाकी लोग भी ऐसा अपने घर पे मिठाई बनाए, ताकि मार्केट से ना खरीदे, क्योंकि मार्केट का सारा मिलावट रहता है। हम अपने घर पे प्योर बना सकते हैं। और मैं फिर से यही कहता हूँ आप लोगों को कि चांदी की वर्क जो होती है मिठाई के ऊपर उसको मत खरीदे, क्योंकि वो सही नहीं है। अगर आप चाहे तो चांदी का वर्क किस चीज़ से बनता है वो आप वीडियो भी देख सकते हो, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि यार ये सही है कि गलत है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये अच्छे तरह से हो गए हैं, कढ़ाई छोड़ने लग गए हैं काजू कतली। तो हम इसके बाद इसको जो है किसी प्लेट में लेंगे या प्लेट में लो, या कोई सिल्वर फॉइल होगी आपके पास, या कोई प्लास्टिक होगा अच्छा वाला प्लास्टिक, प्लास्टिक पेपर, या फिर आपके पास बटर पेपर होगा तो आप किसी में भी ले सकते हो। जिस तरह से ये मैंने लिया है, मैंने ये सिल्वर फॉइल में लिया है। ये देखो, मैं इसको अच्छे रंग से थोड़ा मालिश करूँगा और मालिश करने के बाद इसको सेट करने के लिए डाल दूँगा। इस तरह से मैंने ये सिल्वर फॉइल का पेपर लिया है और मैं इसी तरह इसको जो है थोड़ा सा मालिश करूँगा इसको। ये देखिए इस तरह, वो सिल्वर फॉइल में थोड़ा सा घी लगा देना ताकि चिपके ना, थोड़ा ग्रीसिंग कर देना घी का। ये देखो इस तरह से इसको मसलना है थोड़ा। आप किसी ट्रे में भी कर सकते हो बटर पेपर नीचे से लगा के, और इस तरह से जो है काजू कतली को एकदम से देखो, एकदम से शाइनिंग आ गई है। थोड़ा अच्छे ढंग से मसलना और उसके बाद ये बेलन की सहायता से इसको बेलना, तो चौकर बेलना इसको, ताकि काटने के लिए इजी हो जाएगी जिस तरह मैं इसको बेल रहा हूँ। आप मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हो, काजू कतली जो है कितनी मोटी होनी चाहिए कितनी पतली होनी चाहिए वो अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना चाहते हो। बाकी विधि यही है, और मैंने लास्ट वीडियो में जो वीडियो का एंड में है वो पूरा रेसिपी आपको दिया हुआ है। बहुत इजी है बनाना। तो मैं ही आप लोगों को से यही सजेस्ट करूंगा कि भाई बाहर से खरीदने से अच्छा है कि अपने घर पे बनाओ, प्योर भी बनती है
और मिलावट भी नहीं होती है किसी चीज़ की, तो आप अपनी हिसाब से बना सकते हो और आप पैसा भी बचा सकते हो। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे तो 450 रुपये किलो है काजू कतली, तो उससे अच्छा 1 किलो काजू लाओ और बनाओ, पूरा फैमिली खा सकती है पेट भर के मिठाई। ये देखो इस तरह से इसको बेलना है और थोड़ा सेट करने के लिए रख दो, 8-10 मिनट सेट करने के लिए रख दो। उसके बाद इसको कटिंग करना है। ये देखो ये सेट हो गए हैं, मैं इसको कटिंग करूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह काटना है, पीस अपने हिसाब से कीजिए आप। इसकी नैप थोड़ा सा धार वाली होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, ताकि काटने में हमको थोड़ा सा मदद मिले। और इस तरह से इसके जो पीसेस करना है, और बाकी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको कोशिश करूंगा आपका सवाल का जवाब देने के लिए। इस तरह से इसका कटिंग करना है। और ये हमने जो है कटिंग करके रख दिया है। ये देखो इस तरह से हमने इसका छोटे छोटे पीस बनाए हुए हैं, आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने इस तरह से इसका पीसेस बनाया हुआ है। और इसी तरह से पीस बनाएंगे। दोस्तों जरूर आप ट्राई करना, ये रियल है, मैंने अपने घर पे बनाया हुआ है, आप भी इसको अपने घर पे बनाओ। दिवाली का टाइम आ गया है, बाहर से मिठाइयाँ मत खरीदो, बहुत महंगा है, और वो भी आपको प्योर काजू की नहीं मिलेगी। 1 किलो काजू से आप बहुत सारी मिठाई बना सकते हैं। ये देखो कितनी सॉफ्ट हो गई है, ये आप देख सकते हो कैमरा पे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बाहर से मत खरीदो। मैं अभी भी आपको यही चीज़ बोलता हूं कि जिस मिठाई में चांदी का वर्क लगा हुआ है उसको मत खरीदे। एक बार मिठाई खरीदने से पहले एक बार YouTube पे ज़रूर जाइए और YouTube पे सर्च करें कि चांदी का वर्क कैसा बनता है, और तभी आप मिठाई खरीदे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि उससे बेटर है कि आप अपने घर पर बनाएं। मैंने आपको मावा की बर्फी भी दिया है रेसिपी में, और आपको मावा कैसा बनाना है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आप सारी मिक्स मिठाई मेरे चैनल में जाओगे तो तुमको मिठाइयाँ बहुत सारी मिलेगी, तो आप सारी का सारी मिक्स मिठाई घर पे बना सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई जितना हो सकता है अपने घर पे बनाओ, सस्ता में भी बनती है और प्योर भी बनती है।
क्योंकि मैं आपके आपको लिए ऐसी नई नई चीज़ लाते रहूँगा। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि भाई ये चीज़ कैसा बनाना है। मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने के लिए, और कौन सा रेसिपी आपको चाहिए मैं उसका भी कोशिश करूँगा आपको रेसिपी देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने रेसिपी दिया हुआ है पूरा, तो आप देख सकते हो और ये रेसिपी से आप बना सकते हो। कोई ज़्यादा सामान नहीं है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।